गोरखपुर, राप्ती नदी में नहाने गए तीन दोस्तों की नदी में डूबने से हुई मौत। घर में मातम का माहौल। नदी में नहाने के दौरान संतुलन खोकर गहरे पानी में जाने से हुई तीनों की मौत। तीनों शवों को गोताखोरों ने नदी से निकाला बाहर। मौके पर चिलुआताल और गीडा पुलिस मौजूद। मृतक किशोरों की पहचान आर्यन, दिव्यांशु सिंह और शिवम के रूप में हुई। एक युवक पूर्व विधायक जीएम सिंह का भतीजा भी है। चिलुआताल क्षेत्र के राप्ती नदी का मामला। श्री जितेंद्र श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने बताया कि ताल के अंतर्गत जो ये राप्ती नदी का ये कंट्रोल रूम बना हुआ है, सूचना प्राप्त हुई है तीन किशोर थे जो ये डूब जाने से मृत्यु हो गई है। कल सूचना पर पुलिस पहुंची थी और अन्य क्षेत्रीय नागरिकों की मदद से, गोताखोर की मदद से उनकी तलाश की गई। तीनों की डेड बॉडीज मिल गई हैं और तीनों डेड बॉडीज के बाद उनके परिजनों को सांत्वना देकर यहाँ से विदा किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों बच्चे निकटवर्ती गाँव के रहने वाले थे।